इमली, ये कौन सा नया अवतार है? मतलब हमेशा से अवतार चेंज करते आ रहे हैं, ये कौन सा अवतार है? ये पारस, ये ये भगवान को मारने का अवतार है. और क्योंकि मैं अपने नॉर्मल कपड़ों में नहीं आ सकती थी, क्योंकि मेरी आहट या मेरे कपड़ों या मेरी ज्वेलरी से मुझे बहुत इजीली पहचान जाते, तो मैंने सोचा एक्चुअली पहन के आई है, मुंह ढकने की कोशिश की है इसने, आधा सा मुंह ढका जिससे. एक्चुअली तुम मेरे को उस अवतार में भी नहीं जानते हो, तुमने मुझे देखा कहा है उस अवतार में. बट या आई थॉट कि मैं अगर और कोई देख लेता शायद बाहर तो पहचान जाता. अर्चना समझ के मुझे, इसलिए इस अवतार में आई हैं हुडी पहन के, बहुत ही मॉडर्न लुक के साथ. तो फाइनली विमान के आमना सामना हो गई है इमली से, तो क्या हमारा आमना सामना तो पहले ही हो गई है, लेकिन अर्चना बन के हुई है. लेकिन अब ये ऐसे आए हैं, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए इनको. देख लिया कि कोई है जो मारने के लिए आया है, बट जब तक पकड़ने की कोशिश करता हूँ ये गायब हो जाती है वहाँ से. बट तब भी मुझे डाउट यही है कि ये इमली ही है. लास्ट में बोल ही देता हूँ कि इमली है. सो विवान, अपनी जान अब किस तरह बचाएंगे इमली से? बचाएंगे ये जान लेने पे तो ले. मैं तो बचा लूँगा, अभी इनकी जान कौन बचाएगा, इसलिए परेशान है, इसलिए मुझे मारने की कोशिश कर रही है कि मैं नहीं मारूँ उससे पहले ये मुझे मार दे. तो दोनों को एक दूसरे से अपनी जान बचानी है. सो इमली अभी क्या प्लान कर रही है, कैसे? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो रात का सीन किया, मारा, मार नहीं पाए तो अभी चैन से सोऊंगी. फिर भी सुबह उठ के देखते क्या नया विचार आता है. और ड्रामा इज बैक जो था ऑलरेडी, लेकिन विवान बहुत सारा ड्रामा अपने साथ लेकर आए हैं. तो इसी तरीके से उड़ान देखते रहिए, प्यार देते रहिए. मंडे टू सैटरडे 8:30 PM ओनली ऑन कलर्स. थैंक यू. ये मुझे बोलना. थैंक यू.